बाद में पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटी का रिश्ता किसी दूसरी जगह तय कर दिया था, जबकि बेटी अपनी मर्जी के मुताबिक रिश्ता करना चाह रही थी। चाकुओं से गोद कर बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फर्रुखाबाद के कायमगंज में बेरहम पिता ने शादी से मना करने पर पुत्री शिवानी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गया। शिवानी कोतवाली कायमगंज के गांव लहरा निवासी विनोद जाटव की 20 वर्षीय पुत्री थी। शिवानी का लहूलुहान सब दोपहर घर में पड़ा देख घर में सिपाही के पिता की मौजूदगी न होने पर अनुमान लगाया गया कि विनोद ने ही हत्या कर दी। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, इंस्पेक्टर संजय मिश्रा फिंगरप्रिंट टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और शिवानी के सबके पास से चाकू एवं मोबाइल फोन पड़ा था। पुलिस ने चाकू मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। शिवानी के पीठ पर धारदार हथियार का घाव था और शरीर से काफी खून निकला था। बताया गया है कि विनोद ने बेटी का विवाह कोतवाली फर्रुखाबाद के ग्राम चांदपुर से तय कर दिया था। 2 माह बाद ही शादी होनी थी, लेकिन शिवानी शादी से संतुष्ट नहीं थी और वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। इसी बात को लेकर शिवानी और उसके पिता में गहरा विवाद हो गया। झगड़े की सूचना 112 नंबर पर दी गई। पुलिस बाप बेटी को समझाकर चली गई। करीब 1.5 घंटे बाद शिवानी के सबको कमरे में देखकर बताया गया कि शिवानी की मां का देहांत हो चुका है और अपने पिता के साथ रहती थी। पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभिषेक कटियार, फर्रुखाबाद, समाचार 24। जय माता दी की रोके आए शादी और कन्ना नहीं कहा थी मन बस जावा था थी। अब जो हमने देख ही नहीं पाओ जो कुछ टाइम सब अपने अपने घर नाते। हाँ हाँ सबेरे ही आई थी भाई अपने भीतर समझाओ कर रहे हैं काउ को जाने नहीं दो थे। इस संबंध में थोड़ी जानकारी दे दीजिएगा। ये शिवानी है लड़की, इसकी उम्र लगभग 18-19 साल बताई जा रही है। इसकी डेड बॉडी इसके घर में ही पड़ी हुई है और शरीर पर किसी धारदार हथियार से चोट की गई है। जो कुछ लोग बता रहे हैं गांव में कि किसी बात पे विवाद हुआ था और पारिवारिक सदस्य ने ही संभवतः पिता ने इनकी हत्या की है। इस मामले में पुलिस मौके पे है, पूरी जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम हमारी आ गई है। जो भी तथ्य प्राप्त होंगे इस घटना के संबंध में उस पर अग्रिम कार्यवाही करे की जाएगी और कानून की नज़रों में जो भी दोषी होगा उसको नियमानुसार दंडित कराया जाएगा।